हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सीएनडी, दो कपड़ों की खरीद पर तीसरा फ्री, पुरानी कचहरी के सामने एलन सोली के ऊपर। नीट बायोलॉजी इन बक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाईपास रोड बाबा नगर की गली। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के शाखा से करोड़ों रुपए की हेरा फेरी का मामला फिर से हुआ गर्म, आक्रोशित खाता धारकों ने बैंक में जड़ा ताला। कोविड को लेकर डीएम ने अधिकारियों के साथ समाहरणालय सभागार में की समीक्षा बैठक, दिए कई अहम दिशा निर्देश। चक्की के भोलाडेरा गांव में लगी आग, अगलगी में नगदी समेत घर का सामान जलकर हुआ राख, मवेशियों की गई जान। और औद्योगिक पुलिस ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान, कईयों का काटा चालान, लोगों से की मास्क पहनकर चलने की अपील। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक, काम धेनु नेक, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। सिमरी प्रखंड के आशापरणी गांव स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में शाखा से बीते वर्ष उपभोक्ताओं के खाते से करोड़ों रुपए की हेराफेरी का मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। मंगलवार को सुबह स्थानीय ग्रामीणों एवं खाताधारकों के द्वारा बैंक में ताला जड़ दिया गया। बैंक खुलने के निर्धारित समय पर शाखा प्रबंधक के साथ बैंक कर्मी पहुंचे तो उन्हें बाहर ही घंटों खड़ा रहना पड़ा। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि बैंक में जमा उनके जमा पूंजी का फर्जी तरीके से निकासी करने का मामला एक साल पुराना हो गया है, बावजूद इसके उनके पैसे अब तक वापस नहीं आए हैं, केवल आश्वासनों का पिटारा बांधा जा रहा है। हालांकि बैंक मैनेजर ने कहा है कि कुछ लोगों का पैसा वापस आ गया है और अन्य लोगों का भी जल्द ही पैसा वापस मिल जाएगा। ताला जड़े जाने की खबर के बाद मौके पर पहुंची सिमरी पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। देखिए, सभी लोगों का पैसा वापस आ रहा है और अभी तक 74 लोगों का पैसा वापस आ गया है और ये प्रोसेस में है और बहुत जल्द ही बाकी लोगों का पैसा वापस आ जाएगा। कोरोना के तीसरी लहर को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से जिले में अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में बक्सर डीएम अमन समीर की अध्यक्षता में कोविड को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पदाधिकारियों को डीएम ने कई दिशा निर्देश दिए। डीएम ने प्रखंड विकास पदाधिकारियों को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर प्राइवेट एवं सरकारी स्कूलों के बच्चों का लिस्ट बनाने का निर्देश दिया। वहीं डीएम ने बताया कि सभी प्रखंड के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इसलिए लक्ष्य के अनुरूप 15 से 18 वर्ष के किशोर किशोरियों का वैक्सीनेशन कराना सुनिश्चित किया जाए। डीएम ने 10 जनवरी 2022 तक लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश दिया। इसके अलावा डीएम ने 10 जनवरी के बाद सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाने का भी निर्देश दिया है। चक्की थाना क्षेत्र के भोलाडेरा गांव में अचानक लगी आग ने कोहराम मचा दिया। झोपड़ी में लगी आग, भीषण आग के कारण दो लोगों का घर जलकर पूरी तरह से राख हो गया। घर में रखे हजारों रुपए नगदी और कपड़े और अनाज भी जलकर खत्म हो गए। इस घटना में आग की चपेट में आकर तीन मवेशियों की भी जान चली गई। वहीं मवेशियों के गंभीर रूप से झुलस जाने की भी खबर है। आग लगने के कारणों का अब तक ठोस वजह का पता नहीं चल पाया है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित परिवार मवेशी पालन के जरिए ही अपनी जीविका चलाता था, लेकिन मवेशियों की मौत और घर में रखे सामान के जल जाने के कारण अब उनके सामने कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद तुरंत मौके पर पहुंची चक्की ओपी की पुलिस ने स्थिति का जायजा लिया और इससे संबंधित अधिकारियों को भी अवगत कराया। कोरोना के तीसरी लहर को लेकर एक तरफ जहां जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट मोड में है, वहीं लोगों को कोरोना के तीसरी लहर से बचाने को लेकर तमाम तरह के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में लोगों से मास्क पहनने और सुरक्षित रहने की अपील भी की जा रही है, बावजूद इसके अभी भी लोग तीसरी लहर के अटैक से अनजान होकर बिना मास्क पहने सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में औद्योगिक थाना क्षेत्र की पुलिस ने थानाध्यक्ष मुकेश कुमार के नेतृत्व में मास्क चेकिंग अभियान चलाया, जिसके कारण इलाके में हड़कंप का माहौल कायम हो गया। दरअसल मास्क नहीं पहनकर घूमने वालों को 50 रुपए का फाइन काटा गया। वहीं अन्य लोगों से भी मास्क पहनकर बाहर निकलने की अपील की गई। फाइन काटने वाले लोगों को पुलिस ने मास्क भी दिया। कोरोना का तीसरा लहर बेहद खतरनाक है, लिहाजा इसे अनदेखी नहीं किया जा सकता। ऐसे में इससे बचाव को लेकर न केवल एक तरफ जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट मोड में है, बल्कि लोगों को जागरूक भी करने का काम जोर शोर से किया जा रहा है। इसी कड़ी में डुमराव में माइकिंग के जरिए स्थानीय प्रशासन और नगर परिषद के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। माइक के जरिए प्रचार कर लोगों से तीसरे लहर से सावधान रहने की अपील के साथ मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की जा रही है। गौरतलब है कि अभी भी लोग कोरोना
कोरोना के तीसरे वेरिएंट को लेकर सतर्क नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा के तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इससे पहले भी जिले के डीएम और सिविल सर्जन लोगों से मास्क पहनने और ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण करवाने की अपील कर चुके हैं। सुबह में कपकपा देने वाली ठंड पड़ रही है, लिहाजा ठंड के कारण हर कोई परेशान है। सुबह में कुहासे के साथ कपकपी का असर देखा जा रहा है, जिसके कारण ज्यादातर लोग घरों से निकलने से परहेज कर रहे हैं। लेकिन जो कामकाजी लोग हैं उनके लिए घरों से बाहर निकलना मजबूरी है। ऐसे में ठंड के साथ उन्हें दो चार करते हुए देखा जा रहा है। हालांकि दोपहर बाद सुहानी धूप निकलने के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकले और धूप का आनंद लेते देखे गए। खासकर डुमराव राज हाई स्कूल मैदान में बच्चों को धूप का आनंद लेते हुए और क्रीड़ा करते हुए देखा गया। वहीं कुछ लोग धूप का सेवन करते भी देखे गए। जिले में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत कल से ही हो गई है। कल भी लाखों की संख्या में युवाओं ने टीकाकरण कराया है, वहीं आज भी तमाम केंद्रों पर लोग टीका लगाते हुए देखे गए। बक्सर और डुमराव के सभी केंद्रों पर 15 से 18 वर्ष के बीच के युवा और युवती टीका लेने के लिए केंद्रों पर पहुंचे और टीका लगवाया। हालांकि अभी भी कुछ लोग जागरूकता की कमी की वजह से टीका लगवाने से परहेज कर रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे के तरफ से न केवल अलर्ट जारी किया गया है, बल्कि लोगों से भी अपील की गई है कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में टीकाकरण करवाए, ताकि कोरोना के तीसरी लहर को भी मात दी जा सके।